हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस, इस वीडियो में हम पाको सीक्रेट फ्यूचर डायरी सीरीज का एपिसोड 10 देखेंगे। तो अगर इससे पहले आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पाको अपने घर रोते रोते पहुंचती है और अपने रोबोट को गले लगाते हुए बोलती है कि रोबोट, इस डायरी में जो लिखा था सब सच हो गया। रोबोट मैं हार गई। फिर हम देखते हैं कि पाको के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पाको की रोबोट खूब ज़्यादा डर जाती है और पाको से कहती है, पाको मुझे ढंग से बताओ कि क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि पाको रोते रोते अपने रोबोट को सारी बात बताने लगती है कि कैसे उसने आज परमैन को प्रपोज़ किया था, और ये सारी बात सुनकर रोबोट को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी पाको बताती है कि जब वो दोबारा परमैन के घर गई थी तब उसने क्या बोला था और उसके साथ क्या हुआ। जब बताती रहती है कि परमैन ने उसे क्या बोला था कि जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना तब तक यहाँ मत आना। ये बात सुनकर रोबोट सारी बात समझ जाती है और कहती है, फिर तो तुम खूब ही ज़्यादा बुड्ढू हो। तुम सोचो, अगर परमैन तुमसे नाराज होता तो वो ये कहता कि तुम मेरे पास कभी मत आना। और फिर रोबोट कहती है कि इसका मतलब समझ रही हो। तो ये सुनकर पाको के चेहरे से सारी उदासी चली जाती है और वो कहती है, क्या रोबोट, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो रोबोट कहती है, अरे बुड्ढू, इसका मतलब परमैन जरूर कोई सरप्राइज देना चाहता है, या फिर जरूर परमैन तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। ये सुनकर पाको थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है, सच रोबोट, क्या तुम सच कह रही हो। अगर ये सच दिख रहा तो मैं तुम्हारा खूब ज़्यादा शुक्रिया मनाऊंगी, क्योंकि आज मैं पता नहीं क्या कर बैठती। फिर पाको अपने आप से बोलती है, ठीक है परमैन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ जल्दी कॉल करना। और इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और मिस्सू डिनर करके अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि आज पाको ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसने पाको को इतना सब कुछ कह दिया। ये सोचकर उसे खूब बुरा लग रहा था, इसलिए वो सोचता है कि कल वो पाको को प्रपोज़ कर देगा और कह देगा कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे पसंद करता है। यही सोचकर मिस्सो पूरा प्लान करता है और पाको को कॉल करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमीरे जो होती है वो भी डिनर कर चुकी होती है और कहती है, काश रोबोट की बात सच हो। सुमीरे सोच ही रही होती है कि उठने में परमैन का कॉल आता है और सुमीरे बैज उठाती है तो उठने में उसे मिस्सो की आवाज़ आती है, हेलो पाको। मिस्सो की आवाज़ सुनकर सुमीरे खूब ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बोलो परमैन। तो परमैन कहता है, पाको क्या आप प्लीज़ कर शाम को शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर उसी जगह पे मिलोगी जहाँ पर हम उस दिन मिले थे। ये बात सुनकर पाको खूब ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ठीक है परमैन। फिर मिस्सो कहता है, और पाको प्लीज़ वही वाली ड्रेस पहन कर आना। ये सुनकर पाको कहती है, ठीक है परमैन ज़रूर। और इतना सुनकर परमैन कहता है, ओके पाको, कल मिलते हैं। और फिर परमैन कॉल काट देता है और परमैन के कॉल काटते ही पाको खूब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर रोबोट की बात सच्ची निकली। और इतना कहकर वो अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन ये बात शायद पाको भी जानती थी कि उसे आज नींद नहीं आने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो भी खूब ज़्यादा खुश होता है कि आखिर उस पाको मान गई। लेकिन गाइस, मिस्सो ने फिर से वही गलती कर दी थी, क्योंकि फिर से मैगुमी ने मिस्सो की सारी बात सुन ली थी और अब मैगुमी को मिस्सो पर खूब ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैगुमी जान गई थी कि मिस्सो पाको को प्रपोज़ करने के लिए जाने वाला है। मैगुमी अपने आप से कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी मैगुमी के दिमाग में खूब ही खतरनाक प्लान आता है। फिर मैगुमी अपने आप से कहती है, अब पाको को मिस्सो की ज़िंदगी से मैं हमेशा के लिए हटा दूंगी। और ये फिर मैगुमी मिस्सो का डोर नॉक करती है। वैसे तो उसका डोर खुला था, लेकिन वो फिर भी नॉक करती है ताकि मिस्सो को कुछ ना पता चले कि वो पहले से ही थी वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो पीछे मुड़कर मैगुमी को देखता है और कहता है, हाँ मैगुमी, बताओ क्या हुआ। उसी पर मैगुमी कहती है, मिस्सो मेरी तुम्हें से एक रिक्वेस्ट है। तो मिस्सो कहता है, हाँ बोलो। तो मैगुमी कहती है, मिस्सो प्लीज़ कर तुम मेरे साथ घूमने चलोगे।
तो मिसो कहता है, नहीं मेगुमी, कर मुझे कहीं जाना है। इस पर मेगुमी मिसो को फोर्स करने लगती है और कहती है, मिसो प्लीज़ मेरे साथ घूमने चल लो, तुम भले ही मुझे पसंद नहीं करते लेकिन कम से कम मेरे साथ अच्छा टाइम तो स्पेंड कर लो। ये सब सुनकर मिसो को मेगुमी की बात माननी पड़ती है। फिर मिसो सोचता है, चलो कोई बात नहीं, मैं मेगुमी के साथ अपने रोबोट को भेज दूँगा और खुद पाको के साथ चला जाऊँगा। इसलिए मिसो मेगुमी की बात मान जाता है और मिसो के मानते ही मेगुमी कहती है, ठीक है फिर हम कल शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर चलेंगे। ये सुनकर मिसो परेशान हो जाता है और कहता है, ये भी वहीं पर चलने कह रही है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेगुमी को कौन सा पता है कि वहीं पर मैं है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है मेगुमी, तुम्हारी जैसी मर्जी। और ये सुनकर मेगुमी कहती है, शुक्रिया मिसो, और इतना कहकर मेगुमी मिसो को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर मिसो कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर हम देखते हैं कि मिसो को छोड़ने के बाद मेगुमी वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और फिर मिसो भी अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि कल वो पाको को कैसे प्रपोज करेगा और पूरा प्लान बनाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको भी अपने बेड पर लेते लेते यही कल के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी भी लेते लेते कल के बारे में ही सोच रही थी और वो सोच रही थी कल वो पाको को मिसो की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगी। गाइस उन तीनों की बेचैनी ये बता रही थी कि कल का दिन उन तीनों के लिए खूब ज़्यादा खास है। कल या तो पाको परमन को हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे या फिर मेगुमी हमेशा के लिए परमन को पाको से छीन लेगी। तो गाइस ये एपिसोड एक खूब बड़े सस्पेंस के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। और अब अगला एपिसोड खूब ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और मैं जल्द से जल्द अगला एपिसोड लाने की कोशिश करूँ। तो गाइस अब मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।